नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजातरीन खबरों की ओर। पांडुर्ना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर भाजपा सरकार की घोर निंदा करते हुए निरंतर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी आदि पर लगाम लगाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपते समय निलेश उइके विधायक, जतन उइके पूर्व विधायक, विश्वास काम्बे अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, योगेश खोड़े अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी, दुर्गेश उइके, बापू बाल पांडे, गणेश पद्माकर, जयंत घोड़े, सुनील बुधराजा, शरद सांभारे, सुभाष कोल्हे, अमोल खंडार, श्रीमती लता तुमडाम अध्यक्ष जनपद, श्रीमती रंजना बाल पांडे आदि सैकड़ों कांग्रेसी उपस्थित रहे। भाजपा शासन काल में अत्याधिक बढ़ रही महंगाई और देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। ये सरकार भाजपा की, ये महंगाई के ऊपर इनका ध्यान नहीं है, पेट्रोल के रेट के ऊपर इनका ध्यान नहीं, डीजल पे ध्यान नहीं, रसोई गैस पे ध्यान नहीं, खाने के तेल पे ध्यान नहीं, खाद के ऊपर ध्यान नहीं, बीज के ऊपर ध्यान नहीं। इनका केवल ध्यान एकमात्र है पूरे विपक्ष को खत्म करना, विरोधियों को एक एक करके अपने सत्ता का दुरुपयोग करके ईडी के माध्यम से, CBI के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से इनको प्रताड़ित करना। भाजपा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जीती हुई सरकारों को, एक एक विधायकों को खरीद कर वो जीती हुई सरकारों को बर्खास्त करना, इनके ऊपर इनका ध्यान है। प्रजातंत्र में ये होता है कि जिसको जनता चुनती है उनको 5 साल राज करने देना चाहिए, ये जनता का मैंडेट उनको मिलता है। इसके विपरीत ये भाजपा का लोकतंत्र के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। इनके ऊपर बेरोजगारों को कोई ध्यान नहीं है। अग्निपथ जैसी योजना लाई, बिना होमवर्क किए बेरोजगार लोगों को, उनकी जो आशाएं थी, उम्मीदें थी, उनके ऊपर पानी फेरा। 10 साल नौकरी करेंगे, जिंदगी भर बेरोजगार रहेंगे, ऐसे योजना ये ला रही है। इसी कड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ये विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। मैं हमारे पार्टी के ब्लॉक भूतपूर्व ब्लॉक। खबर समय जगत के लिए पांडुर्ना से देवेंद्र खुरसंगी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।